इसका नाम है माउजर। नमस्कार साथियों, एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो अभी देखिए ये पास में देखिए आशीर्वाद दीजिए हमको। पहले तो पहले पूरा दान देगा तब मैं आशीर्वाद दूंगा। दान दो दो 200 का, ओ 20 का है। अच्छा रखे रखे ना, ना वो आके देते ना, आके आके नहीं, दान एक बार होता है बेटा। दान करे तो लीजिए बना तो कितना आशीर्वाद दीजिएगा हमको, क्या क्या फायदा मिलेगा उसका? हाँ बहुत आशीर्वाद मालिक कहते हैं, दिन दुनी रात चौगनी हो, हर मित्र घर से दूर है, जो तेरा दिल का मुराद है सब पूरा हो जाए। आगे सिक्योरिटी चेक है। एंट्री गेट के जस्ट बगल में टिकट काउंटर है, तो यहाँ से चल के पहले टिकट लेते हैं। टिकट है इंडियन का सिटीजन के लिए, और फॉरेनर लोगों के लिए 500 रुपये का है। तो टिकट लेके अब चलते हैं अंदर, और आइए आपको अंदर जाके दिखाते हैं। CISF का सिक्योरिटी चेक है यहाँ पर, काफ़ी टाइट सिक्योरिटी है। ये देखिए सारे अंग्रेज़ों के फ़ोटो लगे हुए हैं यहाँ पर, मूर्ति, और ये विक्टोरिया मेमोरियल हमारे देश के गुलामी का निशानी है। क्वीन विक्टोरिया का ये महल था। देखिए हर जगह बेंच पे कपल बैठे हुए हैं, और ये म्यूजियम कम कपल पार्क अधिक है। देखिए ये क्वीन विक्टोरिया जो 1906 से 1921 के बीच इसको बनाया गया था, और ये उसका महल है। यहीं से क्वीन विक्टोरिया पूरे देश पर राज किया करती थी 1876 से 1901, तो करीब 25-26 साल इस इंग्लैंड की महारानी के द्वारा हमारे देश पर राज किया गया था जब हिंदुस्तान गुलाम था। तो ये बिल्कुल ही गुलामी का प्रतीक है, लेकिन आज देखिए इसका म्यूजियम हरे भरे पार्क में तब्दील है, और यहाँ पर भीड़ के पूरा भीड़ है, और एक एक मूर्ति अंग्रेज़ों के बने हुए वाइट मार्बल से। ये क्या खूबसूरत है, और ये हिंदुस्तान के ही चीज़ों के लूट के, और एक अंग्रेज़ की महारानी का आलिशान ये महल उसके याद में जो म्यूज़ियम है आज के डेट में। तो इसके अंदर चलेंगे, हालांकि इसके अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन आपको इसका हर तरफ से व्यू दिखाते हैं। तो ये देखिए इसका इधर से व्यू। तो इसको
आज से करीब 100 साल पहले बनाने में 1 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुआ था। ये प्योर वाइट मार्बल है, देखिए। आज अगर इसको बनाया जाए तो आप समझ सकते हैं अरबों रुपए लगेंगे इसमें। और इसकी खूबसूरती देखिए आप। ये इंग्लैंड के ही एक किंग जॉर्ज 5 जो प्रिंस ऑफ वेल्स हैं उनके द्वारा बनवाया गया था इसको विक्टोरिया की याद में। और ये कोलकाता शहर के हावड़ा के आसपास में है। और आप कोलकाता में कुछ भी ऐतिहासिक चीज़ अगर आपको देखना है तो आपके इसके आसपास में है। और ये पूरा गार्डन एरिया, इसमें हर तरफ आपको प्रेमी जोड़े बैठे मिलेंगे। देखिए बहुत बड़ा गार्डन है, बिल्कुल शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब। तो इसकी खूबसूरती बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आपको दिखाते हैं हम चल के और इसमें क्या क्या है। पूरे ब्लॉग में आप बने रहिए। देखिए देखिए यहाँ पर नदी के पत्थर को बिछाया गया है चलने के लिए ताकि मार्बल का ही फील आए। और ये इस बिल्डिंग के चारों साइड ही बस खाली स्पेस है। और कोलकाता में इको पार्क, प्रिंसेप घाट, इन सब के बाद कपल का सबसे पसंदीदा जगह यहाँ पर है। अब देखिए ये जगह आपको आने के लिए जो पास का सबसे पास का मेट्रो स्टेशन है, चूँकि कोलकाता में मेट्रो चलती है, तो वो पार्क स्ट्रीट है। और ये हावड़ा रेलवे स्टेशन के काफ़ी पास में है, कहीं से भी आप टैक्सी लेके आ सकते हैं। एयरपोर्ट से तो थोड़ा दूर है लेकिन 400-500 रुपये का ओला उबेर में आप आ सकते हैं। तो देखिए हम लोग, इसके अंदर म्यूज़ियम है और एक ज़माने में इसमें ब्रिटिश का झंडा होता होगा, लेकिन अभी हमारे हिंदुस्तान का फ्लैग है जो लहरा रहा है। और ये बिल्डिंग आप समझ सकते हैं हमारे देश के गुलामी को दर्शाता है। तो साथियों पार्क के बंद होने का समय शाम के 5 बजे का रहता है। और यहाँ पर दो तरह का टिकट आप ले सकते हैं, एक है सिर्फ गार्डन घूमने का तो उसके लिए 20 रुपये का है, और गार्डन के साथ अगर म्यूज़ियम आपको घूमना है और आप इंडियन सिटीजन हैं तो 30 रुपये का है, और फॉरेनर के लिए 500 रुपये का ये टिकट है। ये देखिए यहाँ पर भी एक बना हुआ है विक्टोरिया का, इसको भी देखते हैं क्या है इसमें। काफ़ी हरा भरा जगह है। और ये देखिए सब लोग सेल्फी ले रहे हैं। और ये क्वीन विक्टोरिया का यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए। ये क्वीन विक्टोरिया, ये काफी बड़ा गार्डन है। देखिए ये तालाब, तो आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज रहने के लिए कैसा आलीशान जगह का प्रयोग करते थे। और हमारे ही देश में शहर के बीचों बीच इतना बड़ा एरिया में म्यूजियम बनाया उन लोगों ने। लेकिन ये काफ़ी देखने लायक है, सभी को आके देखना चाहिए, ये देश का इतिहास है। तो चलिए अब चलते हैं म्यूजियम की ओर। ये दोस्तों इसके अंदर म्यूजियम, और ये काफ़ी टाइट सिक्योरिटी चेक है, देखिए लाइन लग के, और अंदर मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है। तो इसके अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। भाई कहने को तो म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी बैन है, लेकिन सभी लोग फोटो वीडियो कर रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं ये किंग जॉर्ज, इनके ही द्वारा इसको बनाया गया, इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया गया था।
ले लियो। अंदर कुछ है नहीं, ये अंग्रेजों के समय का पेंटिंग्स। ये देखिए मेन गुंबद जो बाहर से ऊंचा दिखता है, काफ़ी भव्य। देखिए ऊपर क्या आलीशान है, और इसका चारों तरफ, और ये बीच में क्वीन विक्टोरिया। वाइट मार्बल, जमाने के तोप, देखिए एक से एक खंजर, अंग्रेजों के समय के एंटीक पीस। देखिए ये म्यूजियम संडे को बंद रहता है, कृष्णचंद का तोप। और बीच में ये मॉडल देख रहे हैं, इसमें पलासी का युद्ध हुआ था। देखिए ये अवनींद्रनाथ ठाकुर का सारा पेंटिंग यहाँ पर लगा हुआ है। और ये क्या खूबसूरत वाइट है, ये 1871 से 1951 तक इनका जीवन था, और इसी बीच में इन्होंने बहुत से पेंटिंग बनाए थे हिंदुस्तान के शुरुआती समय में, जब अंग्रेज के गुलाम थे हम लोग। के खड़गपुर की पहाड़ियों के काले स्लेट से बने एक गोलाकार मेज, और ये भाग्यशाली गद्दी है। अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, अब यहाँ देखते हैं क्या क्या। फर्स्ट फ्लोर से नीचे का व्यू, अभी हम लोग उधर से ही नीचे हैं। देखिए ये और ये यहाँ पर प्रोजेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे आज़ादी के बारे में फिल्म चल रहा है। ये एयर कंडीशनड हॉल है, देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। देखिए हमारे देश के इतिहास के बारे में, क्रांति हुआ था जो उसके हमारे नायक थे, सभी नायकों के फोटो हैं यहाँ पर, जिसमें वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, मंगल पांडे और तात्या टोपे। देखिए देश के आज़ादी का वर्ष 1947, अखबार 20 फरवरी 1907। और ये हमारे देश का गौरवशाली इतिहास, और सारे स्वतंत्रता के जितने भी नायक थे हमारे, सबके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ये सारे अंग्रेजों के समय के यूज होने वाले ऑर्केस्ट्रा। इसी से हमारे स्वतंत्रता के जो नायक थे, वो जब जेल में रहते थे तो उनके द्वारा जो चिट्ठी लिखा जाता था, उन सभी चिट्ठियों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो इस हॉल जो पूरा फर्स्ट फ्लोर है, उसमें बेसिकली हमारे देश के जितने भी स्वतंत्रता के नायक थे, और उस समय के जो वीडियो फुटेज हैं आज़ादी के समय के, उसको प्रोजेक्टर पे स्क्रीन पे चलाया जा रहा है लगातार। तो आप अगर यहाँ पर आएंगे तो आप उस समय के वीडियो को देख सकते हैं। 1946 का बॉम्बे से निकला था हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, और ये नेशनल हेला जो आज के डेट में हम लोग बोलते हैं कांग्रेस पार्टी का, जिससे है ये 22 फरवरी 1946 को, जिसमें सैनिकों का विद्रोह था नेशनल अलार्ड में,
ये एक और नेशनल हेराल्ड का कॉपी है, ये 23 फरवरी 1946 को, और ये एडवांस जेल सेंसेशन थर्ड हंगर स्ट्राइक, ये जो खबर है ये 29 मई 1933 को छपा था। तो साथियों, है तो ये बिल्डिंग गुलामी का प्रतीक, लेकिन इसमें हम लोगों के गौरवशाली जो उस समय के क्रांतिकारी थे, ये देखिए लाल किला का पेंटिंग है, आज़ादी के समय का कितना भीड़ हुआ होगा वहाँ पर, जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था, जब तिरंगा पहला बार लहराया गया था, तो उसका है, इसका नाम है माउजर। साथियों, बाहर निकल के आ गए बालकनी में, तो यहाँ से देखिए व्यू पूरे एरिया का, वो सामने गेट जिधर से हम लोग एंट्री लिए थे अंदर, और ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है, आप देखिए पूरा व्यू इसका यहाँ से आता है। देखिए फाइनली बाहर निकल गए यहाँ से। तो साथियों, अभी हम निकले हैं अंदर से, अंदर कुछ तो नहीं था, बस जो देश आज़ाद हुआ है उसमें हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा जो चिट्ठी लिखा गया था जेल से, या उसमें जो हथियार उपयोग किए गए हैं, उन सभी चीज़ों का वर्णन है यहाँ पर। और ये काफ़ी खूबसूरत जगह है, आप देख सकते हैं। तो आज के इस ब्लॉग को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।